कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ, उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। जहां मिले मधुमक्खी या छत्ता तुरंत तोड़ लेना, रातों रात मालामाल हो जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। साधारण से दिखने वाला मधुमक्खी या छत्ता आपको रातों रात मालामाल बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह छत्ता कहीं दिख जाता है तो उसे तोड़ने में बिल्कुल भी देरी मत करना, क्योंकि आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी जन्मों की गरीबी चल रही हो, आपके ऊपर भले ही किसी की तंत्र विद्या की हो, या फिर लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता ना मिल पा रही हो, या कोई भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ हो, आप शारीरिक और मानसिक आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हो, ऐसी स्थिति में केवल ये मधुमक्खी का छत्ता ही है जो आपकी मदद कर सकता है। और इस छत्ते का इस्तेमाल करके आप तन मन और धन से मालामाल हो सकते हैं, और ऐसा कह रहे हैं हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी। अगर आप भी जानना चाहते हैं मधुमक्खी के छत्ते का ये चमत्कार, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बढ़ने से पहले हम महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में कई ऐसे दिव्य और चमत्कारी शक्तियां मौजूद होती है जो तंत्र विद्या और हमारे दैनिक जीवन में काम आ सकती है। मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास होता है। मधुमक्खी को संस्कृत में भ्रामरी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा के नाम जो बताए गए हैं उनमें से एक भ्रामरी भी है, और देवी दुर्गा की आराधना जो लोग कर लेते हैं उनके कई जीवन एक साथ कर जाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि मधुमक्खियाँ हर जगह अपना छत्ता नहीं बनाती, वह ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियाँ भंडार होता है। यदि मधुमक्खी आपके घर में छत्ता बनाती है तो समझ जाइए कि माता दुर्गा आपके ऊपर कृपा बरसा रही है। इसी के साथ गुरु जी ने मधुमक्खी के छत्ते के कई ऐसे अच्छे उपाय बताए हैं जिसे आप आजमा कर अपनी दरिद्रता और बदकिस्मती को बदल सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आपको कहीं पर भी मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है तो इसे तोड़ कर तुरंत ही अपने घर ले आए और इसे धूप में सुखा लें। उसके बाद इसका एक गोल या फिर अंडाकार पिंड बनाकर अपने घर के मंदिर में रख लें और इसकी पूजा करें। गुरु जी के अनुसार जब तक ये पिंड आपके घर में रहेगा, आपके घर में बचत और बरकत बनी रहेगी। और अगर आप रोजाना गंगा जल से इस पिंड को स्नान कराएंगे तो खुद दुर्गा माता आपके घर में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी, साथ ही साथ लक्ष्मी आपके घर में अन्न और धन के भंडार से भर देगी। इसके अलावा गुरु जी यह भी कहते हैं कि अगर आप मधुमक्खी का छत्ता सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं या फिर इसकी ताबीज बनाकर अपने गले में पहन लेते हैं तो आप जिस काम में हाथ डालने वाले हैं उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है, और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में सिद्धि सिद्धि और धन दौलत के साथ विराजमान रहती है। वही मधुमक्खी के छत्ते के साथ जो मोम निकलता है, गुरु जी ने उसके लिए भी एक उपाय बताया हुआ है। अगर आप इस मोम को जलाकर धुआं करके अपने घर पे दिखाते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र शक्तियां अपने आप बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता है। इससे घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, ना ही कलेश होता है, सुख सौभाग्य घर में हमेशा बना रहता है। इसी के साथ इस मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है, अगर आप उस शहद से महादेव का शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको बेहद ही सुख फल प्राप्त होते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और आपके कोर्ट कचहरी विवाद लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य जी के बताए मधुमक्खी के चमत्कारी छत्ते के वो उपाय जो आप अपने घर में कर गुरु जी का आशीर्वाद और दुर्गा माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों गुरु जी की दी हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। तो अगर आपकी आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छाया करें और किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।